नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दशतक। तो दोस्तों आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी तय कर दिए। अखिलेश का किस बात पर फोकस? आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी बात को आपको समझाएंगे। सपा निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का जोर संगठन की मजबूती पर है। इसी क्रम में 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी तय कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव व लोकसभा चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा फोकस बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर दिया है। इसी लक्ष्य के लिए लोकसभा बार प्रभारी बनाने के क्रम में 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी तय कर दिए गए हैं। दोस्तों आपको उनके नाम भी बताते हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने शुक्रवार को इसकी सूची जारी कर दी। इसके तहत धौरहरा में उन्होंने पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक आबिद रजा व राजेश यादव को प्रभारी बनाया है। सिद्धार्थनगर से उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे व वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह पटेल को बनाया है। साझापुर में भगवत शरण गंगवार व अर्चना वर्मा राजपूत को बनाया है। महाराजगंज में अमरेंद्र निषाद को बनाया है। कुशीनगर में डॉक्टर मोहसिन किसान सिंह सेंतवार व बंटी राव को बनाया है। दोस्तों बरेली की बात कर लें तो बरेली में ओला में आबिद रजा व अगम मौर्य जी को बनाया है। देवरिया में कनक लता सिंह, अशोक सिंह कुशवाहा को बनाया है। और दोस्तों फरुखाबाद की बात कर लें तो फरुखाबाद में चंद्रभूषण सिंह, मुन्नू बाबू, डॉक्टर नमल किशोर साक, इरफानुल हक को बनाया है। हाथरस में रामलाल जी, सुमन, अमर सिंह यादव को बनाया है। आपको बता दें गाजियाबाद में प्रमोद त्यागी व महेश आर्या को बनाया गया है। वहीं मथुरा में संजय लाठर व उदयवीर सिंह को प्रभारी बनाया गया है। तो दोस्तों ये नए प्रभारी हैं जो कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कर दिए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरीके से प्रभारी बनाने से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा और समाजवादी पार्टी किस स्तर पर कार्य कर रही है? हमें अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।